हेलो फ्रेंड्स, ये है मॉक टेस्ट ऑफ एजुकेशन पार्ट वन। इसको आप एजुकेशन का सैम्पल पेपर भी कह सकते हैं। और ये जो सैम्पल पेपर हमने ऐसे इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप जिस तरह के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखेंगे उस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखेगा, क्योंकि आज के टाइम में नेट के एग्जाम में रटाफिकेशन नहीं चलेगी। आप कुछ किताबों को रट करके एग्जाम नहीं दे सकते, और एग्जाम दे देते हैं तो पास नहीं हो सकते, तो आप इसके अंदर क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा, अपने जो क्वेश्चन है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी यूनिट आप तैयार कर रहे हैं, उसको हर वीक रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ के जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। इंटरनल क्रिटिसिज्म इज ए रिक्वायर्ड स्टेप इन। इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या है, एक रिक्वायर्ड स्टेप है किसके अंदर। आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा आपके कितने आंसर ठीक रहेंगे, बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और डी फिलोसफिकल रिसर्च। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म आपने पढ़ा होगा रिसर्च के अंदर कि किसके अंदर इसकी जरूरत होती है, कोई किस रिसर्च के अंदर जो है ये जो स्टेप है जरूरी होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उसमें इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है रिक्वायर्ड स्टेप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सैंपलिंग टेक्निक will be most appropriate to draw a representative sample of heterogeneous population। heterogeneous population कैसे होती है, जिसके अंदर जो population होती है वो different different type की population होती है, तो उसके अंदर किस sampling technique आप use करोगे कि आपको representative sample उसमें से draw करना है। तो चलिए option देखते हैं। option A stratified random, B quota, C purposive और D incidental। कौन सी sampling technique जो है best रहेगी। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर हम जो पॉपुलेशन लेते हैं उसमें से जब सैंपल ड्रा करते हैं तो स्ट्रेट यानी पर्त के अंदर जो है हम सैंपल लेते हैं, कि क्योंकि हेट्रोजीनियस जो पॉपुलेशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन है, तो अगर आप हमारे को रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का ही यूज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, काई स्क्वायर टेस्ट जो है किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए पैरामीट्रिक टेस्ट, बी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, सी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डी सर्वे टेस्ट। तो आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, डिस्क्रिप्टिव या सर्वे किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ये आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हाईली रिलेबल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ। हाईली रिलेबल टेस्ट की जो है टेस्ट की जरूरत कब होती है, किस पर्पज के लिए इसकी जरूरत होती है। ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से रीड कीजिएगा और अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो गई है तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दीजिएगा। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यूजिंग टीचर मेड टेस्ट, टेस्टिंग फॉर रिसर्च पर्पज, डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू एबिलिटी ग्रुप्स और प्रोवाइडिंग गाइडेंस सर्विसेज। तो हाईली रिलेबल टेस्ट की जरूरत हमें होती है जब स्टूडेंट को एबिलिटी ग्रुप के अंदर डिवाइड करना हो, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैड सजेस्टेड दैट क्वेश्चन आर ए पावरफुल मीन्स ऑफ ट्रिगरिंग थिंकिंग एंड कैन लीड पीपल फ्रॉम अनकॉन्सियस इग्नोरेंस टू कॉन्सियस इग्नोरेंस। कि ये किसने सजेस्ट किया था कि जो क्वेश्चन है एक पावरफुल मीन है मनुष्य की जो थिंकिंग है उसको उड़ेलने का, तो जिससे जो ह्यूमन होते हैं उनको कॉन्सियस से जो है अनकॉन्सियस इग्नोरेंस से कॉन्सियस इग्नोरेंस की तरफ लाया जा सकता है। तो ऑप्शन में है आपके सुकरात, चाणक्य, प्लेटो और एरिस्टोटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुकरात। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना कि जो क्वेश्चन आंसर विधि है, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है, प्रश्न उत्तर विधि भी जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसके जनक कौन माने जाते हैं, सुकरात ही माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, सुकरात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ ए टीचर इज प्राइमरी दैट ऑफ। जो फंक्शन है टीचर का, प्राइमरी जो फंक्शन होता है फर्स्ट, वो कौन सा होता है टीचर का प्राइमरी फंक्शन। ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से रीड कीजिएगा, स्क्रीन पे आपके आंसर हैं।
ए गुरु टेंडिंग टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ चिल्ड्रन, या फिर ए सर्विस स्टेशन अटेंडेंट फीलिंग स्टूडेंट्स माइंड विद नॉलेज, या फिर ए डायरेक्टर ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग वर्थवाइल एक्सपीरियंसेस फॉर द क्लास, या फिर ऑप्शन डी ए गाइड हेल्पिंग चिल्ड्रन प्रोग्रेस टुवर्ड मैक्सिमम ग्रोथ। तो जल्दी से सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो प्राइमरी फंक्शन होता है टीचर का, वो क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा कि टीचर क्या होता है, एक गाइड होता है, हेल्प करता है चिल्ड्रन की प्रोसेस के लिए कि मैक्सिमम ग्रोथ उसकी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एजुकेशन लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, बी एजुकेशन लाइक्ड बोथ बाय चिल्ड्रन एंड टीचर्स, सी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स नीड एंड एस्पिरेशन, ऑप्शन डी एजुकेशन कंसिडर्ड वर्थवाइल एंड डिजायरेबल बाय दोज हु हैव ए कंसर्न फॉर देयर डेवलपमेंट। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, चाइल्ड जो सेंटर्ड एजुकेशन होगी, उसका अर्थ क्या होगा? ये एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हो, तो वही एजुकेशन क्या होती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एजुकेशन फिलोसफी इज रूटेड इन प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म की जड़ें कौन सी एजुकेशन फिलोसफी है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, या फिर ऑप्शन बी मेंटेन दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, ऑप्शन सी एक्सेप्ट द सेटिमल्स रिस्पांस थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी क्लेम दैट नॉलेज इज टेंटेटिव और ट्रूथ इज रिलेटिव। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट, कि जो एजुकेशनल फिलोसफी प्रैग्मेटिज्म की जो जड़ें हो क्या है, वो क्लेम करती है कि नॉलेज क्या है, टेंटेटिव है, और ट्रूथ क्या है, रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द कंसेप्ट ऑफ प्रत्यय संपुदे दैट नथिंग हैपेंस विदाउट ए कॉज इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ, कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि बिना किसी कारण के कुछ भी नहीं होता, ये किसका सेंट्रल प्रिंसिपल है? ऑप्शन है आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांता, या फिर सांख्या। तो ये कौन सी फिलोसफी कहती है कि बिना किसी कारण से कुछ नहीं होता, नथिंग हैपन्स विदाउट ए काज, कि जो हर चीज होती है वो किसी ना किसी कारण से होती है, तो ये कहता है बुद्धिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिक्लेयर्ड एजुकेशन एज ए मैन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको इनमें से देखना है कि किसने ये कहा था कि जो एजुकेशन है वो एक मैन मेकिंग प्रोसेस है। तो ये स्टेटमेंट जो है दी थी, ये है विवेकानंदा जी की स्टेटमेंट। बहुत आती है पेपर में, बहुत कंफ्यूज भी करती हैं, तो ज्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप उनको सीरियसली थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ने के बाद जो स्टेटमेंट याद हो जाती है, और थिंकर्स के नाम जो है स्टेटमेंट में जो है बहुत मायने रखते हैं, कि हम थोड़ी सी गलती के साथ जो है अपना नंबर खो देते हैं, तो बहुत ध्यान से जो है इनको याद करने की जरूरत है, रटने से याद नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्थोडॉक्स यानी आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है इज साइलेंट ऑन द इशू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज द अल्टीमेट रियलिटी, कौन सी जो फिलोसफी है इनकी, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्या है, चुप है, साइलेंट है? तो ऑप्शन है आपके वेदांता, सांख्या, पूर्व मीमांसा और न्याय। तो इनमें से सांख्या जो फिलोसफी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर क्या है, साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काया एक कंसेप्ट रिलेटेड विद द एक्सियोलॉजी ऑफ जैनिज्म मींस, काया एक कंसेप्ट है जो रिलेटेड है किसे, जैनिज्म की जो एक्सियोलॉजी है उससे रिलेटेड है, तो इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्पोजिशन ऑफ माइंड विच टेंड्स टू लेड टू अस हायर एम इन लाइफ, या फिर ऑप्शन बी नेगेटिव डिस्पोजिशन ऑफ माइंड विच टेंड्स टू कीप अप रिमेन एम्बेडेड टू द मुंडेन वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन सी सर्टेन बैड डिस्पोजिशंस विच ऑब्स्ट्रक्ट अवर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। तो ये जो कंसेप्ट है एक्सियोलॉजी ऑफ जैनिज्म का, इसका अर्थ है क्या कि बी और सी दोनों इसमें करेक्ट होंगे, कि जो नेगेटिव डिस्पोजिशंस है, डिस्पोजिशंस क्या होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, जो हमारी थिंकिंग होती है वो हमारे दिमाग को क्या करती है कि जो सांसारिक दुनिया है उसमें लगाई रखती हैं, या फिर कुछ बैड डिस्पोजिशन है, कुछ ऐसे बुरे विचार भी हमारे अंदर आते हैं कि जो हमें आध्यात्मिक दुनिया की तरफ, आध्यात्मिक उत्थान की तरफ जब हम चलते हैं तो वहां क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर,
जो फोर फोल्ड वैल्यूएशन है, यानी बोल सकते हैं फोर फोल्ड वैल्यूएशन को, तो इंडियन कल्चर के अंदर है व्हेन अरेंज इन असेंडिंग हायरार्की। जब इनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप अरेंज करते हो, जब आप इनको अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज की हाइट की टर्म में, तो विल कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, इसका जो है कौन सा ऑर्डर होगा, आपको इनमें से देखना है ऑप्शन ए बी सी और डी कि ये जो चार हैं ये किस क्रम में आएंगे। तो ये आएंगे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सबसे पहले अर्थ आएगा, यानी कि अर्था कामा धर्मा और मोक्षा, इनको हिंदी में कहते हैं अर्थ काम धर्म और मोक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिफाइंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज ए स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। किसने जो है सोशियोलॉजी को डिफाइन किया था कि जो सोशियोलॉजी है वो एक क्या है, रिलेशन की स्टडी है एजुकेशन और सोसाइटी के बीच में। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए ब्राउन, बी ओटावे, सी गुड, डी स्मिथ। तो ये किसने कहा था, ये कहा था ओटावे ने। ओटावे कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन और सोसाइटी के जो रिलेशन है उनकी स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रिलीजियन एक्ट एज ए ग्रेट बैरियर इन सोशल चेंज। रिलीजियन या जो धर्म है वो एक ग्रेट बैरियर का काम करता है, एक बहुत बड़ा बैरियर बाधा है सोशल चेंज के अंदर। क्यों क्यों है सामाजिक परिवर्तन के अंदर धर्म एक बाधा? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए इट प्रीसिस वैल्यूज, वैल्यूज की क्या है उपदेश देता है। इट डिपेंड्स ऑन सोशल गैदरिंग, या सोशल गैदरिंग के ऊपर जो है डिपेंड करता है। या फिर ऑप्शन सी इस एक्सपेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप, इसके अंदर सारे जो एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। और या फिर ऑप्शन डी इट इज बेस्ड ऑन फेथ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जो धर्म होता है वो फेथ के ऊपर बेस्ड होता है, इसीलिए क्या है सोशल चेंज में ये बाधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशल मोबाइलिटी इज, जो सोशल मोबाइलिटी है जो सामाजिक गतिशीलता है उसका अफेक्टिंग फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, सी कल्चर और डी इक्वालिटी। जो सबसे अफेक्टिंग फैक्टर है सोशल मोबाइलिटी का वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेचर ऑफ सोशल वैल्यू इज, जो नेचर है सोशल वैल्यू की वो कैसी होती है? लॉजिकल, सिम्बोलॉजिकल, या फिर इमोशनल, या फिर मटेरियलिस्टिक। तो सोशल वैल्यूज की जो नेचर होती है वो होती है लॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्चरल डिफ्यूजन इज, कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? ये तो सांस्कृतिक मिलन जिसको बोलते हैं, क्या होता है ये? ए टेक्नोलॉजिकल इंटरमिकलिंग, या फिर कल्चरल जो है इंटरमिकलिंग होती है, या फिर साइंटिफिक इंटरमिकलिंग होती है, या फिर होती है ऑल ऑफ द अबो। तो कल्चरल जो डिफ्यूजन होता है वो किसके लाइक है? कल्चरल इंटरमिंगलिंग के, क्योंकि कल्चर जो इंटरमिंगलिंग होती है ये क्या होता है? सांस्कृतिक अंतर संबंध इसको बोलते हैं, और जो सांस्कृतिक मिलन और सांस्कृतिक अंतर संबंध होते हैं वो एक जैसी ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर इफ कल्चरल चेंज डू नॉट फॉलो सोशल चेंज। क्या सिचुएशन पैदा होगी जब कल्चरल जो चेंज है वो सोशल चेंज को फॉलो नहीं करेगा? तो या तो कल्चरल लैग होगा, या फिर एजुकेशनल लैग, या फिर सोशल लैग, या फिर इकोनॉमिकल लैग। तो इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्चरल लैग। क्या होता है? सांस्कृतिक स्थिरता आ जाएगी, कि जब कल्चरल चेंज होता है और सोशल चेंज ना हो, और सोशल चेंज हो कल्चरल चेंज ना हो, तो क्या है एक स्थिरता की स्थिति जो है आ जाएगी। तो इसलिए क्या होगा? कल्चरल लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स, जो सोशियोलॉजी है एजुकेशन की वो किसको इंक्लूड करती है? ऑप्शन ए सोशल रिलेशंस बाय विच इंडिविजुअल गेन एक्सपीरियंस, या फिर ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, सी सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल, डी कम्युनिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोसाइटी की और रिलेशनशिप है जो इंडिविजुअल की रिलेशनशिप, सॉरी सोसाइटी और इसकी रिलेशनशिप किसके साथ? इंडिविजुअल के साथ। इसके अंदर क्या है? सोशियोलॉजी जो है एजुकेशन की ये इसको इंक्लूड करती है, क्योंकि इसमें इसी की स्टडी की जाती है कि सोसाइटी कैसी है और उसके अंदर जो लोग हैं उनकी इंटर रिलेशनशिप कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मिरम बाकायदा स्कूल बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाई, किसके द्वारा ये एडवोकेट किया गया था? आंसर है आपके ऑप्शन ए एम के गांधी, बी अरविंदो, सी विवेकानंदा और डी जॉन डेवे। इसका राइट आंसर होगा अरविंदो। ये क्या है, अरविंदो के द्वारा एडवोकेट किया गया था मिरम्बा का स्कूल बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फ्री प्रोग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन क्या है, सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी का, तो इसका अर्थ क्या है? ब्रिंग चेंज इन दी सोसाइटी एंड मेक इट मॉडर्न, की ये सोसाइटी के अंदर क्या चेंज लाती है, उसको मॉडर्न बनाती है, या फिर ऑप्शन बी क्रिएट रिफ्ट बिटवीन एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड इन दी सोसाइटी, या फिर ऑप्शन सी डोमिनेट्स द सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ द सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि जो एजुकेशन है सब सिस्टम है सोसाइटी का, तो क्या करती है, चेंज लाती है सोसाइटी के अंदर और उसको मॉडर्न बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु कॉइंड द टर्म कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल की टर्म का जो है यूज किसने किया? ऑप्शन है आपके ए बॉवेल एंड गिंटिस, बी बोर्डियो एंड पासरन, सी यंग, डी एम सी रोवी एंड आर्यन। तो इस जो टर्म का यूज किया था कल्चरल कैपिटल का, ये क्या था, बोर्डियो एंड पासरन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन, जो किसी के एटीट्यूड होता है और किसी की वैल्यू होती है वो क्या बनाती है किसी का बेस? ऑप्शन है आपके पॉपुलरिटी और रेपुटेशन बनाती है, या फिर सेल्फ कंसेप्ट का बेस बनाती है, या फिर इफेक्टिवनेस इन डीलिंग विद वंस एनवायरमेंट, कि वो अपने एनवायरमेंट के साथ किस तरह से इफेक्टिवली डील करता है, या फिर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट करती है। किसी का जो एटीट्यूड और जो वैल्यू होती है वो क्या बनाती है, उसका सेल्फ कंसेप्ट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक जो है कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है? ऑप्शन है आपके टोलमैन, लेविन, कोहलर और वर्दीमर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोलमैन जो है कॉग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कितने क्वेश्चन ठीक रहे और आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगेन थैंक्स।